अगर हम मुगलों के इतिहास में थोड़ी सी रोशनी डालें और पता लगाएं कि 25 की उम्र में 20 शादियां करने वाला कौन था इतिहास का सबसे विलासी मुगल बादशाह। मुगलों के हर्म को जानने के लिए ना लोगों में बड़ी उत्सुकता रही है। इच व्यापारी फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने हर्म और मुगल बादशाहों की जुड़ी कई बातें अपने संस्मरणों में उजागर की जो चौंकाने वाली थी। चलिए जानते हैं मुगल बादशाह का वह किस्सा जो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। जब मुगलों का इतिहास लिखा गया तो हर्म और बादशाह की अध्यासियों के कई किस्से दर्ज किए गए और वो हर्म जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए था, इतालवी यात्री मनुची और ईच व्यापारी फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने हर्म और मुगल बादशाहों की जुड़ी ऐसी कई बातें अपने संस्मरणों में उजागर किए जो चौंकाने वाली थी। दरअसल उसके संस्मरणों में ये साफ तौर पर लिखा गया था कि मुगल बादशाह किस कदर भोग विलास में सिर्फ डूबे रहते थे। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने ऐसा ही एक किस्सा मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में दर्ज किया। पेल्सर्ट धीरे धीरे जहांगीर के करीबी दोस्तों में शामिल हुए और उन्हें कई दिलचस्प बातें पता चली। ऐसे में अगर हम बात करें मुगलों का सबसे विलासी बादशाह, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने मुगल बादशाह पर किताब लिखी और नाम दिया जहांगीर इंडिया। किताब में खुलासा किया गया कि जहांगीर एक ऐसा मुगल शासक था जिसकी 25 साल की उम्र में 20 शादियां हुई थी। किताब में उसे भोग विलास में डूबा रहने वाला बादशाह बताया गया। उसके हर्म में 300 से अधिक महिलाएं थी। उसके पूरे जीवन काल में ये संख्या बढ़ती रही। ऐसे में अगर हम बात करें ना तो हर पत्नी की देखरेख के लिए 20 दासियां रखते थे। जहांगीर के दौर में हर्म कितना भव्य था कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहांगीर ने अपनी 20 से अधिक पत्नियों की देखरेख के लिए दासियों की लाइन लगवा दी थी। हर एक पत्नी की देखभाल के लिए 20 दासियां थी। उन्हें हर माह भत्ता दिया जाता था और वह उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल गहनों और कपड़ों पर करती थी। इसकी वजह से बादशाह जहांगीर वो खुद को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी ताकि वो बादशाह की नजर में आ सके, उन्हें आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। वहीं पेल्सर्ट ने ये भी कहा है कि जब जहांगीर अपनी बेगम से मिलने की योजना बनाता था तो उसकी भी तैयारी होती थी। बेगम के कमरे को भव्यता के साथ सजाया जाता था, इत्र को छिड़क कर कमरे को खुशबू से भर दिया जाता था और दासियां रेशमी पंखों से हवा करती थी। कुछ दासियां गुलाब जल का छिड़काव करती थी और महिलाओं से घिरा बादशाह जहांगीर अफीम और उत्तेजित करने वाली चीजें खाता था। ऐसे में अगर हम बात करें जो दासी पसंद आई रात उसी के साथ बिताई। जी हाँ, पेल्सर्ट ने ये भी कहा है कि हरम में बेगम से इतर उसे जो भी दासी पसंद आती थी वह उसके साथ रात बिताता था। अगर वो जहांगीर को खुश रखने में कामयाब रहती थी तो उस पर इनामों की बारिश कर दी जाती थी और वो हमेशा के लिए बादशाह की चहेती हो जाती थी। अगर कोई दासी बादशाह को कुछ करने में असफल हो जाती थी तो उसे बादशाह के सामने कभी नहीं ले जाया जाता था। यही वजह थी कि दासियां मुगल बादशाहों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखती थी। वो उन्हें नाखुश करने का कोई मौका ही नहीं देती थी, भले ही मासिक भत्ते को जेवर और कपड़ों के लिए खर्च करना पड़ जाए। तो ये तो था मुगलों के समय का सबसे विलासी मुगल बादशाह जिसने 25 की उम्र में 20 शादियां की।